अरे सुनिए ना, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए और घर पे सो जाइए। सोहेल और बाज भी आजकल यही करते हैं, तो दबाइए, समझे? क्या जी, पूरा लिफ्ट सैनिटाइज कर दीजिएगा क्या? ये सब ना करना ना पड़ता रहा है जी। कैसे है, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, दूर से दूर से दूर से दूर से। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ, ठेका बंद करवा के आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं? बाजी तो बहुत नेक काम किया आप हैं, ठेका तो बंद करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है उसकी वजह से ना। सुनिए सुनिए, क्या हुआ? हुआ क्या, वहाँ लाइन पर खड़े थे और सोशल डिस्टेंसिंग वाला रूल हम फॉलो नहीं किया, पुलिस आया, हमको कूटा और ठेका बंद करवा दिया। अच्छा ऐसे। तो क्यों नहीं किए भाई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो? देखिए क्या है कि बड़के बच्चन साहब मधुशाला में कह गए थे कि मदिरा जो है वो दो लोगों को एकदम करीब लाता है। अब अगर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए तो हम उनके हृदय को ठेस नहीं पहुंचेगा, बताइए। भाई अपमान हो जाएगा कभी का। तो अगर कोरोना का ठेस पहुंचा, आपको पकड़ लिया तो क्या कीजिएगा जी, बीमार हो गए तो? हम खाएटा भैंस का दूध पिए हैं बचपन से, नहीं समझे हैं? वो पैकेट वैकेट वाला दूध नहीं पीता, हमको कुछ नहीं होगा। लगता है भैंस की तरह आपको भी खूंटा बांधना पड़ेगा जी। ठीक है चली जाइए। और सुनिए, घर में संतरा अंगूर है कुछ? हाँ है ना जी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, उसको सड़ा के रखिए, है ना, बाहर निकलने का जरूरत नहीं, हम बताते हैं फिर कि कैसे बनेगा उससे दारू, ठीक है? घर में ठेका खोल रहे हैं, लगता है ब्रेकिंग बैड में जुमा रहे हैं। से माय नेम राजा रविंद्र कुमार। मैं वो राजा हूँ जो कुंडी खड़काता हूँ। लगता है हिंदी डब देखा। चलिए जाइए, ठीक है। तो ये हमारे पड़ोसी सिंह साहब थे, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे लौंडों से बात करूंगा जिनका सुद सरकार नहीं ले रही है, जो परेशान है, क्योंकि जब एक तरफ देश में लोग दिया जला रहे थे, मोमबत्ती जला रहे थे, तब ये लौंडे तवों पे रोटियां जला रहे थे। जब राम जी वनवास और लक्ष्मण सूर्पणखा की नाक काट रहे थे, तब ये लौंडे सब्जियां काट रहे थे। तो ऐसे ही लौंडों का लेंगे हम हाल समाचार। मुझे भी नहीं पता कि आज रविवार है या शनिवार। नमस्कार, कैमरामैन राजा रवीश कुमार के साथ मैं राजा रवीश कुमार। तो मैंने लकी ड्रॉ निकाला है और कुछ लौंडों के जो है वो नाम छाटे हैं, तो देखते हैं कि पहला भाग्यशाली कौन है जो इस राजा जी से बात करेगा। नमस्कार जी, अखिल जी क्या हाल है? हाँ नमस्कार रवीश जी। क्या जी, काहे आप मुंह लटकाए बैठे हैं, क्या हो गया? अरे आप पूछ रहे रवीश जी, सब बर्बाद हो गया रवीश जी, सब बर्बाद हो गया। नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया भाई? अरे आपको दिख नहीं रहा क्या, चाइना से शुरू होकर जापान, इटली, जर्मनी और फिर यूएस होते हुए इंडिया आने का प्लान था, लेकिन अब गुरु तुम ये अपना प्लान बता रहे हो कि कोरोना वायरस का जी? हिम्मत रखो, देखो क्या है, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा राजा जी, कैसे ठीक हो जाएगा? ट्रेवलिंग के जो पैसे बचे थे मैंने सोचा पीएम केयर फंड में डालूंगा, तो दारू की दुकान खुल गई, सारा पैसा बर्बाद हो। उसके बाद मैंने सब्जी बनाना चाहिए तो सब्जी और गैस दोनों बर्बाद हो गए। अपनी खाने की फोटो इंस्टा पर डाली तो मेरा रिलेशनशिप ही बर्बाद हो गया राजा जी। इतनी मेहनत मजदूरी करके एक लड़की पटाई थी, वो भी ये मजदूर बर्बाद हो गया राजा जी, ये मजदूर तो गया। हां जी, तुमको कॉल लगा के हमारा टाइम भी बर्बाद हो गया है जी। अल्लाह भाई सर, तुम्हारा फोन का बैटरी बर्बाद हो रहा है, फोन से जॉब कर दो, ठीक है ना? चलो, तो इनके जैसे लोगों को संसद में पहुंच जाना चाहिए ताकि सरकार को पता चले कि क्या क्या बर्बाद हो गया है। खैर, कुछ लौंडे आजकल सूजी लेकर लौट रहे हैं, चलिए देखते हैं कि उनका हलवा कितना गर्म है ना। दूसरा कॉल लगाते हैं। अरे राजा जी, आप तो छीके मार रहे हैं। अरे भाई हॉस्पिटल जाइए, टेस्ट कराइए, कोरोना फैला देंगे क्या? अरे नहीं भाई, रूममेट मिर्ची भूंज रहा है ना, उसकी वजह से हुआ है। जैसे हर पीला चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर छींक कोरोना नहीं होता है ना जी। क्या बात है राजा जी, टैलेंटेड आदमी आप, तो एकाध वेब सीरीज क्यों नहीं लिखते हैं? लिखिए लिखिए, लगता है बिंज वॉच के शौकीन लगते हो। कितना सीरीज निपटा दिए? अरे कहाँ राजा जी, अब इतना सारा वेब सीरीज निकल गया है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा देखे कौन सा नहीं,
वो क्या है ना कि हमारे मोबाइल में जितनी भी सारी ओटीटी ऐप है ना, वो पंचायत लगा बैठ जाती हैं और खुद को रेकमेंड करती रहती है, ये देखो वो देखो, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। मनोरंजन के चक्कर में स्वास्थ्य मत भूल जाइएगा, भले प्रधान किसी और ऐप को बना दीजिए लेकिन प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु ऐप को ही रखिएगा जी, ठीक है ना? इंस्टॉल कर लिए कि नहीं किए? अच्छा सुनिए, बैठ जाइए, खड़े कहाँ हैं, बैठ जाइए। अरे वो नहीं बैठ सकते राजा जी, प्यार में डंडे खाने पड़ गए, वो हमारी गर्लफ्रेंड है लाली, बोली मिलने आऊंगी तो ब्रेकअप कर लेंगे, वो जाना पड़ा। बाजी देखिए क्या है कि आपके लिए एक शायरी याद आ गई जी, है बुरा ना मानी तो सुना दें। ये बुरा क्यों मानेंगे? हाँ भाई, ये बुरा मान के उखाड़ भी क्या लीजिएगा लॉकडाउन में। चल के यहाँ थोड़ी आ जाइएगा। तो लगा के डंडे पर सैनिटाइजर, पुलिस ने उधेड़ी खाल, लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। क्या हो गया, बुरा मान गया क्या जी? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बहुत बढ़िया शायरी है राजा जी, क्या बात है, मजा आ गया, पहली बार हम पे कोई शायरी कहा है किसी ने। वो क्या है ना राजा जी कि कोरोना मानवता का दुश्मन हो ना हो, प्यार का बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये साला सारा डेटिंग मैच भी अभी आ रहा है, बताइए। चलिए आप तशरीफ पर गर्म पानी की सेंक लगाइए, है ना, हम अगला कॉल लगाते हैं, बाकी लौंडे भी हैं भाई हैं। नमस्कार जी। तो अगर आप भी घर में बोर हो रहे हो तो बाहर तफरी मारने मत निकल जाइएगा, क्या पता पुलिस भी बोर हो रही हो, है ना। चलिए अगला कॉल लगाते हैं। क्या जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? नमस्ते रवि जी, डाल रहा हूँ भाई, डाल रहा हूँ, दो मिनट। कहाँ भाग लिए भाई? सुन रवि जी एक मिनट, क्या हुआ? नमस्कार रवि जी, क्या हो गया भाई, काहे भाग रहे हो अपने घर में? अरे रवि जी मत पूछिए, रवि जी बिजली नहीं है, सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज करना पड़ती है, रवि जी मोटर नहीं है, जितनी मौसी चाची ताई सारे लोग मिलके नलका चलवा चलवा कर मैनुअल मोटर बना रखा है। रवि जी पबजी तो फालतू में बदनाम है, उससे ज़्यादा एडिक्टेड तो वो ऑफलाइन का ताज गेम है। सोचा था उससे कुछ खेल कर, कुछ पैसे जीत कर पीएम केयर फंड में डोनेट करूंगा, लेकिन अपने फंड के ही पैसे नहीं बचे रवि जी, सरकार से बोलकर एक आधा ट्रेन चलवा दीजिए गांव से शहर तक के। बाजी आपके लिए क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर भेज देते हैं, है ना। सुनिए गांव में कोई अगर टंकी है तो उसके जाके ऊपर एक बार खड़े हो जाइए, हो सकता है गांव आपको प्यारा हो जाए, है ना। जाइए टंकी खोजिए, हम अगला लौंडा खोजते हैं, जाइए पानी यार जल्दी। अरे तो हमारे अगले कॉलर वो हैं जो हाथ में हल्दी लगाने की उम्र में हाथ में सैनिटाइजर लगा रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। शादी का अगला डेट फाइनल किए कि नहीं किए? अभी क्या एक तो आप मदद कर नहीं रहे, उस पर से नमक और छिड़क रहे हैं। थोड़ा सबर रखिए भाई, थोड़ा सबर रखिए। अरे कितना सबर करें महाराज, कितना सबर करें, सबर करते करते लॉकडाउन 4 आ गया। आपको पता है घीस तीर के एक और लड़की मानी थी ब्याह के लिए, अब उसके बाद तुरंत लॉकडाउन आ गया, अभी उसका पुरनका आशिक उसी के साथ रहता है उसके गांव में ही, अब वहाँ पे हाथ पर टैटू बने ले उसके नाम का, हमको लग रहा है लॉकडाउन चक्कर में उसको फिर से पोट पाट लिया, तो उसका बपवा तो लोकले में ब्याह करा गया ना उसका, हम क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है। सुनो तुमको हम एकदम आइडिया देते हैं, ऐसा आइडिया तुमको मोदी जी नहीं दे पाएंगे। सुनो क्या है कि पहले सारे रिश्तेदारों को व्हाट्सअप कर दो कि अपना अपना घर से तैयार होके जिम्मी जिम्मी बजा के नाच लें और सेंट जरूर लगाएं, फिर उसको क्या है कि वीडियो अपलोड कर दें शादी के दिन। आजकल तो सब लोग शेफ बन ही गया है, सबके अकाउंट में पैसा भेज दो और क्या है कि अलग अलग डिश बनवाने को कहो, और उसके बाद फेसबुक पर इस टाइटल से अपलोड कर दो कि बारातियों से अनुरोध है कि खाना लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, फिर इंस्टा लाइव पर दोनों लोग शादी कर लो, हाँ, और कमेंट में जो है आशीर्वाद ले लो, हम भी दे देंगे आशीर्वाद। चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन सुहागरात का क्या होगा? थोड़ा सब्र कर लो भाई, हैं चैट भी तो होता है ना सुहागरात वाला। और लॉकडाउन आज नहीं तो कल तो खुल ही जाएगा, तब तक संयम रखो भाई, या तो आत्मनिर्भर बन जाओ। तो बढ़िया आइडिया दिया आप महाराज। अच्छा सुनिए, इतना बढ़िया आइडिया दिए हैं, अभी आपको हमारा भैंसुर बन के भी आना पड़ेगा। अब देखिए आप आइएगा तो लाइव में सालिद सबसे गाना गवा देंगे ना कि हमरा लाइव में आए हो। ठीक है भाई, लेकिन सुनिए ऑनलाइन लिफाफा तो नहीं मांग लीजिएगा जी? मत दीजिएगा लिफाफा, मत दीजिएगा, आप इतना बढ़िया आइडिया दिए, आप मत दीजिएगा लिफाफा। ठीक, चलिए अभी फोन रखिए, हमको पूरा तैयारी करना है, इससे पहले कि उसका बप्पा लोकल में भोकल कर दे हम पूरा तैयारी कर लेते हैं जाके। ठीक है, जाओ ब्याह करो, जाओ मरो। तो मेरी उन लोगों से अपील है जो खाने की फोटो शेयर करते हैं
कि हो सके तो खाना भी शेयर करें। लाइक मिले ना मिले, दुआ तो जरूर मिलेगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फेसबुक और इंस्टा पे फेक खबर फैला रहे हैं और नफरत और आपसी मतभेद के शिकार हो रहे हैं। ये वक्त इसलिए और सतर्क रहने की मांग करता है, इसीलिए सोशल के साथ साथ डिजिटल डिस्टेंसिंग भी जरूरी रखिए। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि सोशल डिजिटल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, क्योंकि गो कोरोना गो, गो कोरोना गो कहने से नहीं जाता ये बुखार। साबुन से हाथ धोते रहें बार बार, मिलके लड़ेंगे तो कोरोना जाएगा हार। हिंदुस्तानी तो कर ही रहे हैं, हर बिहारी भी करे विचार। लॉकडाउन बढ़ा तो फिर आऊँगा एक बार, तब तक के लिए नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। Hey guys, तो आप सबकी फरमाइश पर आपका फेवरेट रवीश की रिपोर्ट आ गया है। We hope रवीश की रिपोर्ट का ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आप और कौन कौन से टॉपिक पे रवीश की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि घर बैठे बैठे आपको और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम सबको सुनेंगे और समाधान देंगे कि चुपचाप घर पर बैठे, ये आपकी और हम सबकी भलाई के लिए ये दोस्तों। और अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट काम के कारण घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो मास्क और सैनिटाइजर के साथ निकले। और हाँ, जैसा कि रवीश जी ने कहा कि खाने की सिर्फ फोटो ही ना डालें, बल्कि वो खाना जरूरतमंदों को खिलाकर उनकी मदद भी करें। एंड फॉर मोर ऑसम कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू द स्क्रीन पत्ती।